LIT Alumni Association presents Jewels of LIT Awards 2018, sponsored by LA's Totally Awesome. The world knows as the Samaya of Mahabharat has his career crammed with achievements and innovations. Considered one of India's foremost voice personalities, Harish Bhimani has built an expressway called the Voice Industry Avenue in India, where barely a dirt track existed. He has more than 23,000 recordings to his credit, and he is the only person who is providing his magical recorded contents to 38 countries across the globe. Harish ji is the only anchor to receive gold disc from HMV. मैं समय हूँ, मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है न किसी सुख की, फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती है। मैं हरीश बिमानी हूं। नमस्कार। समय का चक्र इतिहास दिखाता है। समय का चक्र हमारे बीते हुए कल से आने वाले कल तक का सफर दिखाता है, और आज हम हैं समय के साथ। जी हाँ, इंडियन टेलीविजन के इतिहास में समय के नाम से पहचान बनाने वाले देश के जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट हरीश बिमानी, जिनकी आवाज ही उनकी पहचान है। वो एक डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, लेखक हैं, न्यूज रीडिंग कर चुके हैं, पर वॉइस रिकॉर्डिंग के अलावा एक और चीज जिसके लिए वो लोगों में बखूबी पहचाने जाते हैं, वो है एंकरिंग। रहा था कि जयदीप जी की सांस कितनी लंबी है, 16 बार की मैंने गिनी। उनकी आवाज में ठहराव और गतिशीलता एक साथ महसूस कर सकते हैं आप। लता जी, आपने इतना सुंदर गीत गाया, स्पॉन्टेनियस तालियां सुनी, अब तो सच बोल दीजिए कि आपकी सच्ची उम्र क्या है। हरीश जी, आपने कहा कि मेरी उम्र क्या है, वैसे मैं 71 रनिंग हूँ, आप चाहे तो 1 इधर लगा लीजिए। उनकी आवाज में दर्शकों को बांध कर रखने का जादू है। उनकी आवाज सुनकर ही देश के लाखों करोड़ों दर्शक टीवी के आगे बंद कर बैठ जाते हैं। मेरा ये विश्वास है कि बोलना, स्पीकिंग, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। दरअसल उन्होंने अपना ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में पूरा किया और फिर MBA की पढ़ाई की। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। 60 के दशक के तमाम परिवारों की तरह उनका परिवार भी यही चाहता था कि वो बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने। मास्टर्स करते करते उन्हें पता चल चुका था कि उन्हें किसी और चीज में ना सही, पर बोलने में बड़ा मजा आता है। कला के क्षेत्र में आप आए, इसका अर्थ ये है कि आप में थोड़ा सा पागलपन तो है। दूरदर्शन पर दिखने के साथ ही उनकी आवाज बड़े लोगों तक पहुँचने लगी। 3 से 4 हफ्तों में ही वो TD के सेलेब्स में से एक बन गए। इस तरह हरीश बन गए समय की आवाज और साथ ही इंडियन टेलीविजन की सुपर हिट सीरीज का हिस्सा। लेकिन न्यूज कास्टिंग और वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के बाद उन्होंने खत्म रखा लाइव स्टेज एंकरिंग की फील्ड में, और वहां भी उन्होंने खूब शोहरत बटोरी। The entire Ministry of Shipping, Sri Nitin Gadkari, and above all, the Chief Well-Wisher and Chief Executive of India, Sri Narendra Modi. Thank you indeed for sparing some time. आपकी उपस्थिति की वजह से इस अभियान को बल मिला है। स्टूडियो और लाइव एंकरिंग में जमीन आसमान का फर्क था, पर वो आगे चलकर किंग ऑफ स्टेज कहलाए। प्रस्तुत है दुनिया की सबसे ऊंची, अतुल्य, गौरवशाली
एकता की प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आज भी वो देश के रेनाउंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट में से एक हैं और अब उनका रुझान डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में है। लता दीदी अजीब दास्तां है इस नाम से उनकी किताब है। लता जी के लगभग हर कंसर्ट में वो साथ थे, पर उन्हें कुछ समय के लिए किशोर दा के लाइव शो का सूत्रधार बनने का भी मौका मिला। हरीश को सिर्फ किताबें लिखने का शौक नहीं, उन्होंने कई टीवी सीरियल्स भी लिखे हैं। दूरदर्शन का चर्चित धारावाहिक खानदान हरीश भीमानी के कलम से ही निकला। आगे चलकर उन्होंने एक्टिंग फील्ड में भी अपना हुनर दिखाया। ये देखिए उनकी एक्टिंग का जलवा। दुआएं बटो, प्यार बांटो। गुप्ता, तुम्हारा आइडिया था ना गुप्ता? एक्टिंग, एंकरिंग, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग और राइटिंग, एक इंसान में इतनी खूबियां। हरीश सब कुछ बड़ी आसानी से मैनेज करते हैं। वसुदेव देवकी, भय मत करो, तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए सहस्रों वर्ष तपस्या की है। इस दमदार आवाज को कई बार अलग अलग चैनल्स पर अलग ढंग से सम्मानित किया जा चुका है। और अब मुख्य पुरस्कार बेस्ट नरेशन वॉइस ओवर के लिए हरीश भीमानी, फिल्म मलालाज वाटक नाही के लिए आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। वो कई युवा वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए आदर्श हैं और उन्हें अपनी सलाह भी देते हैं। उनकी बीवी और दो बेटियों का साथ परिवार में है। वो फिलहाल अपनी दिलचस्पी वाले कई प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। समय बनकर उन्होंने हमारी जिंदगी में दस्तक दी और समय के साथ ही उनकी जिंदगी का पहिया भी घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है।